मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस को देखने के बाद अब हमें डिस्कस करना है अबाउट द केमिकल रिएक्शंस और से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। वही सीक्वेंस रहेगा, उन्हीं केमिकल्स उन्हीं कंपाउंड्स के साथ हमें नॉन मेटल को भी रिएक्ट करवा के देखना है। तो सबसे पहला हम नॉन मेटल की रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। कि अगर हम नॉन मेटल की रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ तो देखिए क्या होगा। जब भी हम नॉन मेटल की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ, प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। द प्रोडक्ट इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो फर्स्ट इज कार्बन सॉलिड। जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में से हीट करते हैं इट विल चेंज इनटू CO2 गैस। सिमिलर अगर हमारे पास सल्फर सॉलिड है और अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं प्रोडक्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं देन द प्रोडक्ट इज NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस तरह से हमारे पास बन सकते हैं। और यह प्रोडक्ट तब बनेगा ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबस्टन पर हमारे पास ये प्रोडक्ट आएंगे। सो ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ कार्बन प्रोडक्ट इज CO2, ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ सल्फर प्रोडक्ट इज SO2, नाइट्रोजन NO2। दीज आर द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। एंड हमारे पास एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के लिए एक खास बात होती है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिड्स इन नेचर। ऑक्साइड्स और वो भी कौन से, नॉन मेटेलिक, आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। और अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखिए अगर हम CO2 गैस को वाटर के कॉन्टेक्ट में लेकर आए देन द प्रोडक्ट इज दिस H2CO3, दिस इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। अगर CO2 गैस वाटर के साथ कॉन्टेक्ट में आकर हमें एसिड देती है इट्स मीन्स CO2 गैस इज एसिडिक इन नेचर। सिमिलर SO2 गैस वाटर के कॉन्टेक्ट में आकर हमें सल्फोरस एसिड दे देगी। लाइक दिस, दिस इज SO2 गैस और जब वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है वाटर के साथ ये घुलती है तो प्रोडक्ट इज H2SO3 एक्वस, दिस इज सल्फोरस एसिड। सिमिलर अगर हम NO2 गैस की बात करें वाटर के कॉन्टेक्ट में आते ही ये कन्वर्ट हो सकती है नाइट्रिक एसिड में, दिस इज HNO3 एक्वस। सो ये सब हमें एसिड देंगे। सो द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बट सारे के सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कभी भी एसिड नहीं होते। ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर नॉट एसिडिक। एग्जाम्पल अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन लें, हीट करें और ऑक्सीजन को लिमिटेड अमाउंट में लेना है, मीन्स कि कार्बन का हम कंप्लीट कंबस्टन नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को लिमिटेड अमाउंट में लिया, प्रोडक्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस।
सेम अगर हम नाइट्रोजन लें और नाइट्रोजन को भी हम लिमिटेड ऑक्सीजन में हीट कर दें, प्रोडक्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। सो ये जो ऑक्साइड्स हैं, दीज आर नोन एज न्यूट्रल ऑक्साइड, दीज ऑक्साइड्स आर नोन एज न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सो ये हमारे पास नॉन मेटल्स की पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, जिसमें हम एक बात नोट करते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबस्टन नॉन मेटलिक ऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट देंगे, और वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड वाटर के कॉन्टेक्ट में आते ही एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, हमें एक एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा। सो द नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिड इन नेचर। बट अगर हम नॉन मेटल को कंप्लीट कंबस्टन उसका ना करें, क्योंकि लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे हीट कर दें, तो जो ऑक्साइड मिलेगा दैट ऑक्साइड इज नोन एज न्यूट्रल नॉन मेटलिक ऑक्साइड। सो दिस इज द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। नाउ द नेक्स्ट वन, सेकेंड केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर कि जब हम नॉन मेटल को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है। देखिए, व्हेन एनी नॉन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर नो रिएक्शन टुक प्लेस, कोई भी रिएक्शन यहां नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है वो आयंस में अगर ब्रेक हो तो वो ब्रेक हो सकता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। जो नॉन मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं डोनेट करते, और अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं डोनेट करते तो जो H पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन की फॉर्म में कभी भी बाहर नहीं आएगा अगर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते। अगर ये नहीं होगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं आएगी। सो जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो हम क्या लिखेंगे, नॉन मेटल्स डू नॉट और से डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज दे कैन नॉट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू H पॉजिटिव आयन टू लिबरेट एज हाइड्रोजन गैस। ये कभी भी H पॉजिटिव आयन को अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे जिससे ये H2 की फॉर्म में बाहर जा सके, ये कभी भी नहीं ऐसा करेंगे। और अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते तो नॉन मेटल्स कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। नाउ थर्ड रिएक्शन, वो भी बिल्कुल यही ऐसा ही है, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो देखिए, नॉन मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड नो रिएक्शन, ये भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि नॉन मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे ताकि हाइड्रोजन गैस वहां से बाहर जा सके।
और नॉन मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते. सो नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर, नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. ना तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करते, ना ही डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते, और दोनों का जो रीजन है वो सेम रीजन रहेगा. दिस इज द सेम रीजन. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 4. रिएक्शन नंबर 4 देखिए हमारे पास क्या है. रिएक्शन नंबर 4 है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ए साल्ट सॉल्यूशन. एक साल्ट सॉल्यूशन के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन कैसे होती है. देखिए व्हेन ए नॉन मेटल ए, व्हेन ए नॉन मेटल ए रिएक्ट्स विद साल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल बी, द प्रोडक्ट इज साल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल ए प्लस नॉन मेटल बी. एंड व्हाट इज दिस, कि नॉन मेटल ए जब एक साल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल बी से रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट साल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल ए प्लस नॉन मेटल बी, मींस इट इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब नॉन मेटल ए बी नॉन मेटल को रिप्लेस कर सकता है, मींस ए की रिएक्टिविटी बी की रिएक्टिविटी से ज्यादा होगी. और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, मींस जो इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी खींच सकता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा है. सो अगर हम दो रिएक्शन लिखें Cl2 in the gaseous state and 2NaBr in aqueous medium, then the product is 2NaCl aqueous medium plus bromine. और दूसरी रिएक्शन हम लिखते हैं, here it is Br2 in the gaseous state, 2NaCl in the aqueous medium, product is 2NaBr in aqueous plus Cl2. हमने मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी को ऑब्जर्व किया था, नॉन मेटल के केस में हमने ऑब्जर्व इसे नहीं किया, हमने कोई भी सीरीज नहीं बनाई. बट एक्सपेरिमेंटल जब इन दोनों रिएक्शन को करके देखा गया तो जो पहली रिएक्शन है वो हो जाती है, दूसरी रिएक्शन नहीं होती. पहली रिएक्शन हो जाती है इसका मतलब कि क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, सो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, सो दिस सीएल इज मोर रिएक्टिव देन बीआर. नीचे वाली रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकती. और अगर हम सीएल की रिएक्टिविटी बीआर की रिएक्टिविटी से ज्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सीएल की जो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो बीआर की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी से बहुत ज्यादा है. सो सीएल इज मोर रिएक्टिव देन बीआर. दिस इज द फोर्थ केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स. नाउ द रिएक्शन नंबर 5. और रिएक्शन नंबर 5 देखिए हमारे पास क्या है. रिएक्शन विद हाइड्रोजन्स,
रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो जो भी नॉन मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात कहें कि जैसे कार्बन सॉलिड है और अगर हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करें देन द प्रोडक्ट इज मीथेन गैस। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन चुका है। सेम अगर हम सल्फर लें और सल्फर की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करें तो देखिए हमारा प्रोडक्ट बनता है दिस इज H2S। और ये कैसे हुआ? ये होता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। मींस कि यहां पर कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लेता ना इलेक्ट्रॉन देता, ये शेयर करता है। ये हाइड्रोजन और कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, यहां सल्फर और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। बट मेटल की रिएक्शन में, हमने मेटल के केस में भी रिएक्शन पढ़ी थी यही वाली, बट वहां क्या होता है, वहां मेटल्स शेयरिंग नहीं करते, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं हाइड्रोजन को, जिससे हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। देखिए किस तरह से, अगर मैं मेटल की एक रिएक्शन यहां लिखूं, सो दिस इज 2Na+H2। अगर आपको याद हो हमने ये रिएक्शन लिखी थी। अब इसमें सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था इस तरह से, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था इस तरह से। जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, डोनेट कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दोनों को हम जोड़ देते हैं, सो NaH। बट और यहीं पे अगर हम NaOH को ब्रेक करके लिखें तो हम लिख सकते हैं Na+H-। बट नॉन मेटल के केस में ये सब नहीं होता। नॉन मेटल के केस में ना तो इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ वहां इलेक्ट्रॉन्स का एक, ना तो इलेक्ट्रॉन्स को हम डोनेट कर सकते ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते, शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। और जहां म्यूचुअल शेयरिंग होती है हम उसे बोलते हैं कोवलेंट। सो नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है कोवलेंट कंपाउंड। दिस इज द फिफ्थ केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। एंड नाउ द लास्ट केमिकल रिएक्शन जो नॉन मेटल्स की हमने पढ़नी है वो है, नॉन मेटल्स की अगर हम रिएक्शन करें क्लोरीन के साथ, रिएक्शन नंबर 6, नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। अगर हम नॉन मेटल की रिएक्शन करें क्लोरीन के साथ तो देखिए हाइड्रोजन ना प्योर मेटल्स में आता है ना प्योर नॉन मेटल्स में, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H पॉजिटिव भी बन सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नॉन मेटल भी बन सकता है, नेगेटिव आयन भी बन सकता है। सो अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस की और अगर हम इसे क्लोरीन गैस के साथ ट्रीट करें, द प्रोडक्ट इज 2HCl। सिमिलर नॉन मेटल लाइक फॉस्फोरस P4 सॉलिड और अगर हम इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करें देन द प्रोडक्ट इज दिस PCl5। PCl5 बन सकता है बैलेंस करने के लिए दिस। सो नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन करते हैं टू गिव द
कोवलेंट कंपाउंड। सो हमें ये बातें हमेशा याद रखनी है कि जहां भी मेटल होगा, मेटल के साथ हमेशा आयनिक बॉन्ड बनेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेंगे, और जहां भी नॉन मेटल होगा वहां हमेशा कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे। सो ये हमारे पास हैं नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस। सो जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइन किस तरह से करते हैं। अभी तक हमने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग पढ़ी थी, नॉन मेटल्स की अलग पढ़ी, अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे एक दूसरे के साथ, कि जब हमें मेटल को और नॉन मेटल को एक दूसरे से जोड़ना हो, एक कंपाउंड बनाना हो नॉन मेटल और मेटल का, तो हम किस तरह से बना सकते हैं, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।